हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि ऊपर वाला बाल हम लोग को खड़ा नहीं होता है, कैसे खड़ा करें। तो आज आपको बताएंगे पूरे स्टेप बाय स्टेप बालों को कैसे कटिंग करते हैं। तो उससे पहले हम बाल देख लेते हैं, पर पहली बार आए होंगे इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो आप लोग पास सबसे पहले पहुँचे और आप लोग देख सकें और सीख सकें इस प्रकार से कटिंग करना। चलते हैं काम की ओर। फर्स्ट स्टेप में क्या करना, हमें इस कटिंग में 1.5 यानी 1.5 इंच डेढ़ नंबर क्लिप लिए हैं। और इसको कैसे कटिंग करना ध्यान से आप लोग देख लेना। इस कोन से जो है ऊपर नहीं जाना चाहिए कटिंग, ठीक है। उससे नीचे यानी 1 से 1.5 इंच करीब में आप कटिंग करेंगे गोलाई में साइड से। अगर पीछे से बात करें तो पीछे से आपको इसका दुगुना लेना है, यानी 2 इंच से लेके आप 4 इंच तक ले सकते हैं। हाई फिटर करते हैं पीछे से तो, ठीक है। उसके बाद चलेंगे दूसरी साइड, दूसरी साइड सेम उसी पोजिशन में इस साइड भी कटिंग करना है। और ध्यान रखना है कि इस जो है मतलब कौन से ऊपर आपको कटिंग नहीं करना है, ठीक है, ताकि स्लोपिंग भी हो सके और बाल को ऊपर भी करने में वहाँ पे काम आएगा। अगर आप लो फिट कर रहे हैं, मिड फिट कर रहे हैं तो, हाई फिट कर रहे हैं तो आप लोग से मतलब नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है मिड फिट में ही लें, यानी 1 से 1.5 इंच करीब में। उसके बाद पानी मारेंगे, उसके बाद बाल को जो है पहले 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। उसके बाद बांटने के बाद वहाँ पर इसमें लाइनिंग नहीं करना है क्योंकि इनका बाल जो है खड़ा होने वाला नहीं है, ठीक है। इस कटिंग में हम खास करके यही चीज़ बता रहे हैं, जिसका बाल जो है यानी ऊपर की ओर खड़ा नहीं हो रहा है उसको कैसे कटिंग करना है आपको ये चीज़ बताएंगे। तो वीडियो पूरा देखना और लास्ट देखना। अगर इसमें आप लोग कटिंग यानी लाइन कर रहे हैं तो आप लोग का बाल खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखना है यहाँ पर हम स्लोप कैसे करते हैं, ठीक है। तो एकदम पूरे जर में बैठाएंगे यानी कंघी को, उसके बाद कंघी को थोड़ा सा अपने ओर झुकाएंगे ऊपर वाला भाग को, ठीक है। उसके बाद आप लोग कटिंग करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि पूरे अच्छे तरीके से अभी हम नहीं मिलाए हैं आप लोग बताने के लिए। पहले इस प्रकार से हम कटिंग कर लेते हैं, बाल को हटा देते हैं और जो बच जा रहा है ना उसको हम फिर से कटिंग करेंगे। इस जगह पे यहाँ पे स्लोप है यानी गोलाई है, पीछे गोलाई जाएगा, इसके लिए आप लोग जो कंघी है उसको भी टेप पर रखेंगे, तिरछा में रखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं बाल अभी अच्छे तरीके से नहीं मिला है, उसके लिए आपको फिर से कटिंग करना है और एक एक बाल करके आप लोग को मिला लेना है पहले स्लोप में, ठीक है। टेपर में ही कंघी रहना चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे स्लोप हो चुका है, ठीक है। उसके बाद चलेंगे पीछे, पीछे में भी कटिंग आप लोग को अभी हल्का सा गोलाई है तो हल्का सा टेपर में रखेंगे। जब पूरे पीछे जाएंगे तो वहाँ पे आपको आगे चल के बताएंगे कैसे वहाँ पे कटिंग करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम राउंडिंग कर लेते हैं ताकि बाल जो है पूरे फिनिशिंग दिखाई दे साइड का। उसके बाद हम चलेंगे अगला काम में, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को पूरा देखना और पहली बार आए होंगे इस चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का जो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन गिरे और आप लोग देख सकें और सीख सकें, कोई वीडियो मिस ना हो। इसलिए चलते हैं यहाँ पे फिनिशिंग देने के लिए क्या किए हैं, जो एक्स्ट्रा बाल है जो कि दिख रहा होगा आपको, इसको रिमूव कर देना यानी हटा देना है पूरा से इस प्रकार से। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को पूरी चीज़ बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और कहीं भी स्किप मत करना। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो शेयर भी करना ताकि अगले भाई लोग भी सीख सकें और देख सकें और इस प्रकार से कटिंग कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिनिशिंग जो आप लोग का करीब दिखने लगा होगा। इसके बाद क्या करना है आपको बताते हैं, पहले रनिंग पूरे कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद पीछे हम चलेंगे, पीछे कैसे कटिंग करना है वो चीज़ आपको बताएंगे। अब पूरे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोग को देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना और कमेंट कर जरूर बताना वीडियो आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि इनका बाल जो है खड़ा होने वाला नहीं है, इसलिए आपको इन्हीं के बाल पे आपको बनाकर दिखा रहे हैं बालों को कैसे खड़ा करते हैं, ठीक है। वो आपको दिख जाएगा आगे से जब कटिंग करेंगे तो दिख जाएगा बाल में क्या प्रॉब्लम है और क्यों नहीं खड़ा हो रहा है, क्योंकि ये भी भाई बहुत परेशान थे और उसके बाद हम सोचे हैं कि चलो इन्हीं भी बताते हैं और आप लोग को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस साइड जो है इस प्रकार से क्लिप या कंघी लगा देंगे ताकि ऊपर वाला बाल जो है नीचे गिरे नहीं और उसके बाद उस वो बाल कटना नहीं चाहिए। उसके चलते हैं पीछे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना है कंघी को जो है सीधा रखना है क्योंकि बैक है और यहाँ पे गोलाई करना है, ठीक है। इस प्रकार से हम पहले कटिंग कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिला लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे आगे इस प्रकार से ही कटिंग करते हुए आगे चलना है। और उसके बाद जो भी बाल बचता है यानी अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहा है उसको दोबारा हम मिलाएंगे और आप लोगों को ध्यान देखना है कि हम उस जगह पे कैसे मिला रहे हैं बाल को और कैसे हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान रखना है जो जैसे गोलाई है ना उसी प्रकार से आप लोगों को कंघी टेपर करते हुए चलाना है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक कटिंग हो चुका है और बाल अच्छे तरीके से नहीं मिला है, आप भी जान रहे हैं चीज़ देख रहे हैं। और इसके बाद हम दोबारा फिर से
कंघी टिप करते हुए चलेंगे और कटिंग करते हुए। यहाँ पर देखेंगे आप 100% बाल मैचिंग हो चुका है। यहाँ तक समझने में कोई तरह परेशानी नहीं हुआ होगा। चलते हैं आगे और आगे आपको बताते हैं यहाँ पे अभी जो थोड़ा सा नहीं मिला है इस जगह पर कंघी को ध्यान रखना है, किस प्रकार से टेपर कर रखें और तिरछा भी ले रखें और अपने और जो है कंघी को झुका के भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे हम काम करते हैं ना उस प्रकार से आप लोग को ध्यान देना है, और कहीं पर दिक्कत हो तो कॉमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम नेक्स्ट वाला वीडियो में कुछ अलग तरीका से और पूरे देसी में आपको बताएँ ताकि आप लोग समझ सकें और सीख सकें, ठीक है। जब फिनिशिंग हेयर कटिंग देखेंगे आप लोग तो फिर आप लोग कमेंट के जरूर बताना कैसा लगा और कितना आसान है। उसके बाद हम राउंडिंग करेंगे, फिर इस प्रकार से इस साइड भी आप पूरे काम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ध्यान रखना जो भी बेबी हेयर है यानी पतला हेयर है बस उसी को अस्तूरा से रिमूव करना है यानी ब्लेड से हटाना है, ठीक है। इस जगह पर देख रहे हैं इनका कौन जो है यानी वी शेप जो आगे में है वो बनने वाला नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे हम बनाने का प्रयास किए हैं। तो इस प्रकार से जो है आप लोग भी कर सकते हैं और सीख सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। जो नहीं जानते उनके लिए तो बहुत भारी है। प्रयास करना है आप लोग को और जल्द से जल्द सीखना है काम, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में वीडियो पूरा देखना जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड हो, ताकि आप एक बार में उस काम को सीख सकें। यहाँ पर राउंडिंग भी कंप्लीट हो चुका है, कितना आसान है। हाथ पे देखो कैसे हम अस्तूरा को पकड़ रखें, कितना आसान तरीके से पकड़ रखें। इस प्रकार से आप लोग ध्यान दें काम पे 100% सीख जाओ। चलते हैं आप फाइनल वाला काम पे, ठीक है। तो फाइनल कटिंग क्या था इसमें, जो ऊपर वाला बाल को कैसे कटिंग करना ताकि ऊपर बाल छूटने में बन सके, ठीक है। तो यहाँ पर दिखाएंगे आपको क्या गलती अगला आदमी करते हैं जिसके कारण कटिंग सही नहीं हो पाता है और बाल ऊपर की ओर बराबर नहीं जा पाता है। यहाँ आप देखेंगे पहले हम किस प्रकार से कंघी बाल को फंसा रहे हैं इसमें, आप लोग यहाँ पे ये देखना है, उसके बाद कुछ देखना है। आप देख रहे हैं बाल छोटा वाला है, उसके लेवल में अगला बाल को कटिंग करना है और ध्यान रखना है बाल को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। सीधा हमें कटिंग करना है इस प्रकार से, और कहीं पर दिक्कत हो तो कॉमेंट कर जरूर बताना। अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना और साथ में शेयर भी कर देना ताकि अगले आदमी भी सीख सकें और देख सकें। चलते हैं, अब जो बाल हम काट चुके हैं उसमें साफ लेना है, जो बाल नहीं काटे हैं उसमें साफ लेना है, और जो बाल काट चुके हैं उसके एक लेवल में आपको बाल को मिला देना है यानी कटिंग कर देना है, ठीक है। यहाँ तक काम कम्प्लीट हो चुका है। अगर इसी कटिंग में आप कुछ अलग तरीका से बनाना चाहेंगे जैसे कि वन साइड हेयर कटिंग, तो वहाँ पर आपको क्या करना है आपको वो भी बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखना और कहीं भी स्किप मत करना ताकि आप वो भी चीज़ सीख सकते हैं। ये कटिंग आप डबल कटिंग सिखाने वाले हैं आपको। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ तक आपको जो है फ्रेश एकदम सीधा स्ट्रेट ही काटना है कटिंग, ठीक है। उसके बाद आपको बताएंगे स्लोप कैसे करना है यहाँ पर यानी वन साइड कैसे करना है, ठीक है। इस प्रकार से एक लेवल में कटिंग कर देना है। कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो या समझ में नहीं आता हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना ताकि हम उस चीज़ को बता सकें और सिखा सकें, ठीक है। यहाँ आप देख लें स्लोप कैसे करते हैं यानी वन साइड हेयर कटिंग करने के लिए आपको बता चुके हैं उस प्रकार से कटिंग करें। अगर आप लोग खड़ा करना चाहते हैं जैसे कि अभी हम कर रहे हैं साइड से भी देख रहे हैं बाल एकदम पूरे स्ट्रेट है, तो इस प्रकार से आप लोग कटिंग करें और प्रयास करें कि कहीं भी दिक्कत हो। हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं कि पीछे बाल क्यों लटकता है, जब हम बाल को ऊपर की ओर छोड़ते हैं तो पीछे क्यों बाल लटकता है, तो आप लोग इस प्रकार से बाल को कटिंग नहीं करते हैं, इसलिए देख सकते हैं यहाँ पे बाल आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इस प्रकार से आप गोलाई कर सकते हैं पीछे से भी। तो आप इसके बाद आप लोग फाइनल लुक देख सकते हैं, बाल को खड़ा करने में कोई तरह की परेशानी नहीं हुआ है। तो आप लोग इस प्रकार से कटिंग कर सकते हैं और बाल को खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल देखा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में वीडियो शेयर जरूर करना ताकि अगले आदमी भी यानी दोस्त फ्रेंड भी आप लोग को देख सकें और इस प्रकार से कटिंग करवा सकें। और सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने को बोल दीजिएगा ताकि आप लोग भी सीख सकें और उनको भी सीखने में कोई तरह की परेशानी ना हो। प्लीज़ BR VIP सैलून को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो सबसे